जिद। आजादी से पहले हिंदुस्तान ने एक जिद की थी भारत से अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने की। 1 मई 2016 हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जिद की। महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे, काले धुएं और पारंपरिक ईंधन से आजाद कराने की, उन्हें उनके हक का सम्मान दिलाने की। देश की जनता ने एक बड़ा आंदोलन बना दिया। सभी ने मिलकर प्रयास किए। थोड़े हम बदले, कुछ तरीकों को बदला, कुछ हम आगे बढ़े, हमारे साथ देश भी आगे बढ़ा। लाखों करोड़ों ने गैस सब्सिडी छोड़ी, तो देश की लाखों महिलाओं ने बहुत कुछ पाया। और देखते ही देखते काले धुएं के बादल छटते गए और हम करोड़ों महिलाओं तक पहुंचने में कामयाब हुए। पर हमें यहां रुकना नहीं था, बहुत आगे तक जाना था। करोड़ों जिंदगियों को उज्ज्वला की रोशनी से रोशन करना था। इसीलिए इस आंदोलन के साथ हमने एलपीजी पंचायत जैसा क्रांतिकारी आंदोलन जोड़ा, जिससे एक एक करके लाखों करोड़ों महिलाएं जुड़ी और उन्होंने जाना कैसे एलपीजी है सुरक्षित। हम जानते हैं जहां गैस होती है वहां सुरक्षा कितनी जरूरी होती है। तभी तो इस बात को करोड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को समझाने के लिए देश के अनेकों जिलों, गांवों, शहरों और कस्बों में सुरक्षा शिविरों का सफल आयोजन किया गया। और इस तरह हमने थोड़े ही समय में 5 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया। पर यह तो सफर का सिर्फ एक पड़ाव भर था, अभी तो कई महिलाओं तक पहुंचना था। इसीलिए 5 करोड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर किया गया पूरे 8 करोड़। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला सक रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। करोड़ के लक्ष्य में शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार और अन्य किसी भी जाति वर्ग के परिवारों को भी, जिसके चलते हम देश की 6 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला पहुंचाने में सफल हुए। ये संभव हुआ है सक्षम नेतृत्व, ईमानदार प्रयास और साफ नियत से, सिर्फ 4.5 सालों में। जो मुझे टाइम की बचत होती है तो रोजगार में ही लगा पाती हूँ ना। आज उज्ज्वला सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं है, ये प्रतीक बना है लाखों करोड़ों महिलाओं की आजादी का, सुरक्षा का, खुशियों का, जीवन का, न्यू इंडिया का और एक खुशहाल परिवार का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन।